हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे बेजी सॉफ्टवेयर के डेमो को। जैसा कि आप नोटपैड पे देख रहे हैं कि हम बेजी सॉफ्टवेयर का जो डेमो देखने वाले हैं उसमें क्या क्या डिस्कशन करेंगे, जैसे कि इसमें हम कैसे इसको डाउनलोड करें और कैसे इंस्टॉल करें इसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद कैसे हमें कंपनी क्रिएशन करना है, कैसे मास्टर क्रिएशन करना है, जैसे आइटम लेजर इस तरह के जो भी मास्टर्स होते हैं। उसके बाद हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे। अब ट्रांजेक्शन में सेल परचेज पेमेंट रिसिप्ट जैसी सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो कैसे करेंगे, और इन सब के करने के बाद हम अपनी रिपोर्ट्स को देखेंगे, जिसमें कि कुछ हमारी ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट्स होती है कि हमने किस पार्टी को या किस आइटम को कितना सेल कर दिया, और कुछ हमारे जीएसटी की रिपोर्ट्स भी होती है। और उसके बाद देखेंगे कुछ एडवांस फीचर की, और एडवांस फीचर्स क्या है जिसको यूज करके आप अपने बिजनेस में अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर दोस्तों चैनल पे आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हमारे चैनल पे आती रहती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, दोस्तों इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। बाकी ओवरऑल मैं इसमें आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है विजीविन। विजीविन टाइप करने के बाद आप सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद सबसे पहली वेबसाइट आपको दिखेगी, डाउनलोड सेक्शन ऑफ विजीविन। अब जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफी ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, बट आपको क्लिक करना है प्रोडक्ट पे। उसके बाद आप क्लिक टू डाउनलोड करेंगे और एक सेटअप आपका डाउनलोड हो जाएगा, और उसके बाद आप उसको इंस्टॉलेशन कर देंगे। और डिटेल वीडियो के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ताकि आप इसको डिटेल में कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसके बारे में आप समझ सकें। तो दोस्तों आप समझते हैं कि अब बिजी आपने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, तो उसमें कंपनी क्रिएशन कैसे करना है आपको। तो जैसे कि ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोडेड है, आपको कंपनी पे ही क्लिक करना है, और उसके बाद क्रिएट कंपनी, और यहाँ पे आपकी जो भी कंपनी की डिटेल्स है, जैसे कंपनी का नेम क्या है आप इस तरीके से मेंशन कर देंगे, और उसके बाद अगर कोई शॉर्ट नेम देना चाहते हैं, जैसे कि मैं देना चाहता हूँ एसपी, तो वो मैंने दे दिया। उसके बाद कंट्री क्या है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंडिया है तो इंडिया सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट कौन सा है, दिल्ली हरियाणा या जो भी जिस स्टेट से भी हैं आप। अब दोस्तों इसमें फाइनेंशियल ईयर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका डेटा है वो पिछले साल का है या 2 साल पुराना है, उसको अगर आप चढ़ाना चाहते हैं, तो वहीं से आप जो है अपना फाइनेंशियल ईयर को क्रिएट करें। अगर आपने आज करंट फाइनेंशियल ईयर जो है 22-23 का है, अगर आज से आपने क्रिएट कर दिया, तो बैक फाइनेंशियल ईयर आप नहीं बना सकते, लेकिन ये फॉरवर्ड बना सकते हो। आगे के जितने भी फाइनेंशियल ईयर है पहले ही आप बना सकते हो, पर पिछले के नहीं बना सकते कंपनी बनाने के बाद। तो अगर आपको पिछला डेटा कोई डालना है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बनाएं। सपोज आपको 18-19 का डेटा डालना है तो 18-19 का फाइनेंशियल ईयर आप बनाएं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई डेटा डालना है तो डालें। अभी फिलहाल तो मैं करंट फाइनेंशियल ईयर बना लेता हूँ। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर देता हूँ। दोस्तों एड्रेस के लिए यहाँ पे 4 लाइनें दी हुई है, अगर आपका एड्रेस काफी बड़ा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद जो है कंपनी जो CIN नंबर है कंपनी के लिए है, अगर आपके पास है प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म या लिमिटेड फॉर्म के लिए जो CIN नंबर होता है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। IT पैन यानी कि जो भी आपके पास पैन है, इंडिविजुअल पार्टनरशिप का पैन या कंपनी का पैन, तो वहाँ यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। वार्ड मेंशन कर सकते हैं। टैली नंबर में आपको जो है अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और उसके बाद ईमेल आईडी भी मेंशन कर देंगे आप, जैसे कि मैंने ईमेल आईडी भी मेंशन कर दिया। उसके बाद फिर आपकी जो कंपनी है जो आप क्रिएट कर रहे हैं, अगर वो किसी और शाइन में या किसी और करेंसी में डील करती है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये जो है रुपीज सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अगर GST में करना है तो आप इसे बाय डिफॉल्ट यस रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको GST में नहीं करना है, सिंपल वे में आपको सारी कैलकुलेशन, सिंपल वे में आपको सारी एंट्री करनी है जिसमें कोई भी टैक्सेशन से रिलेटेड ना हो, तो आप यहाँ पे इसको नो कर देंगे। अब इसके नो करने के बाद अगर आप सेव करेंगे तो आपको GST से रिलेटेड या VAT से रिलेटेड कुछ इस तरह के लेजर्स आपको नहीं शो होंगे। अगर आप इसे यस करेंगे तो आपको GST के सारे लेजर्स शो होंगे। अगर आप यहाँ पे VAT करते हैं तो VAT में भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप इंडिया से बाहर हैं या इंडिया में भी अभी कुछ ट्रेड है ऐसे जहाँ पे VAT में काम होता है, तो आप VAT सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बिजनेस में SaaS है तो इसे आप यस करेंगे। अगर सैस है, यदि नहीं है तो आप इसे नो करेंगे, क्योंकि इसके यस करते ही सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट लेजर जो है क्रिएट हो जाते हैं, तो आपको
सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे सेल्स का लेजर किस अकाउंट ग्रुप में क्रिएट करना होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद जो आपका जीएसटी है, रेगुलर है या कॉम्पोजिशन है, अगर आपकी मंथली रिटर्न जाती है तो रेगुलर है, अगर आपकी हर 3 महीने के बाद रिटर्न जाती है और जिसमें 1 या 2% का टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो आपका वो कॉम्पोजिशन है। तो मोस्टली आपको जो है रेगुलर मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे जो है 3 ऑप्शन और भी नजर आ रहे हैं, नॉट रिक्वायर्ड पे अभी बाय डिफॉल्ट क्लिक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मास्टर है वो कॉपी हो जाए और जो भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी की सारी आपकी इस कंपनी में आ जाए, तो कैसे ये काम करेगी मैं फिर से डिटेल में बता देता हूँ। सपोज कि आपने बिजी सॉफ्टवेयर में 3-4 कंपनीज को बना रखा है, अभी ये आप नई फॉर्म बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो आपकी पहली फॉर्म है उसके अंदर जो भी लेजर है, आइटम है और जो भी आपने उसके अंदर सेटिंग्स की हुई है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, तो अगर आप चाहते हैं कि वो सारा कुछ एज ए यहाँ पे कॉपी हो जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कंपनी और किस कंपनी से इसको जो है कॉपी कराना चाहते हैं। सपोज ये जो शर्मा फुटवेयर है, इसके अंदर जो भी आइटम है, जो भी लेजर है और जितनी भी जो सेटिंग्स है, कॉन्फ़िगरेशन अगर इसमें हुई है, मैं चाहता हूँ कि अभी मेरी नई फॉर्म में भी वैसा हो जाए, तो मैं इस पर एंटर कर दूंगा। तो आप ये भी कर सकते हैं चाहे तो, अगर आप नई फॉर्म में अगर कुछ ऐसा चाहते हैं तो। और ये कॉपी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन एंड यूजर्स, तो अगर आपका ये मल्टी यूजर है और जो भी जिस यूजर को आपने परमिशन दी होगी जिस वर्किंग के लिए, तो इस पे भी कर सकते हैं। सिर्फ इसमें यूजर एड ऑन हो जाता है बस। अभी मैं इसको नॉट रिक्वायर्ड करता हूँ और उसके बाद सेव और यस। अब ये जो है कुछ ही सेकंड का टाइम लेगा और आपकी कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों कंपनी यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है और आपको ऑप्शन भी मिल गया, कंपनी हैज बीन क्रिएटेड, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सिलेक्शन करना है कि जब भी आप अपनी कंपनी को ओपन करें तो उसके लिए आईडी पासवर्ड कुछ जो है हो या पूछे या मैंडेटरी हो, तो आप इसे यस रखें और यस रखने के बाद आईडी पासवर्ड को मेंशन कर दें। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को कोई भी आईडी पासवर्ड नहीं चाहिए, तो इसको आप नो कर देंगे। तो जब भी आप कंपनी पे एंटर करेंगे डायरेक्टली कंपनी आपकी ओपन हो जाएगी। तो अगर आईडी पासवर्ड आप लगाते हैं तो आपके लिए ही बेटर है, आपके डेटा के लिए बेटर है। अब जैसे ही आईडी पासवर्ड मेंशन करेंगे तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की चीजें ओपन हो जाएगी कि आपको कुछ यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, रीजनल में कुछ करना हो, जनरल में, अकाउंट्स में, इन्वेंटरी में, जीएसटी में, कुछ भी कॉन्फ़िगर करना हो तो अभी यहाँ पे आप कर सकते हैं। बट अगर अभी आपको कुछ नहीं पता कि क्या कॉन्फ़िगर करना है, तो आप इसे एग्जिट कर सकते हैं, बाद में दोबारा से इस ऑप्शन पे आप आके चेंजमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे हमने कंपनी क्रिएट किया, अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो है एलिजिबल हो गए हैं वर्किंग के लिए, ठीक है। तो अब जैसे एडमिनिस्ट्रेटर है, ट्रांजेक्शन है, इस तरीके की। अब यहाँ पे दोस्तों क्या क्या चीजें हैं डिस्प्ले के ऊपर, मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूँ। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये शॉर्टकट बटन्स हैं, मतलब कि आपको मेनूज के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल वे में अगर आपको कोई वाउचर ऐड करना है, पेमेंट ऐड करनी है, रिसिप्ट ऐड करनी है, सेल करनी है, जैसे कि मुझे सेल करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकता हूँ और यहाँ पे जो इसकी कीज दे रखी है सारी अल्ट के साथ यूजेबल है। तो मैं यहाँ पे अल्ट एफ8 करता हूँ और मैं अपनी सेल एंट्री तक पहुंच जाऊंगा। तो जितनी भी जो कीज दे रखी है आप यहाँ पे जा सकते हैं, बट अल्ट का यूज करके, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, जैसे अगर डायरेक्टली आप जाएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, अल्ट करना पड़ेगा आपको। तो जो भी यहाँ पे एक्शन वर्ड्स दे रखे हैं, एक्शन बटन दे रखे हैं, आप उस पर क्लिक करके इंस्टेंटली उस बटन पे जो भी दिया है उसे आप क्रिएट या उसकी एंट्री कर सकते हैं। बाकी इन सभी के सोर्सेज जो है आपको ट्रांजेक्शन में मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले हम समझेंगे, नोटपैड ओपन कर लेते हैं हम सबसे पहले अपना। तो कंपनी क्रिएशन हो चुका है, ओवरऑल हमें जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे वो भी पता चल चुकी है। अब इसमें हमें मास्टर कैसे क्रिएट करना है तो ये समझ लेते हैं। दोस्तों मास्टर क्रिएट करने के लिए आपको आना है एडमिनिस्ट्रेटर पे, मास्टर, और यहाँ पे अकाउंट मास्टर भी आपको मिल गया और इन्वेंटरी यानी कि आइटम मास्टर भी मिल गया। अब अकाउंट मास्टर में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, अब जिसका भी आप अकाउंट ऐड कर रहे हैं, सपोज मुझे एसएस ट्रेडर का अकाउंट ऐड करना है, और उसके बाद यहाँ पे ग्रुप आपको मेंशन करना होगा कि एसएस ट्रेडर आपके कौन से ग्रुप में आता है। सपोज ये आपकी सेल की पार्टी है तो आप इसको संडे डेटर देंगे, अगर ये परचेज की पार्टी है तो आप इसे संडे क्रेडिटर देंगे, अगर ये आपका बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट देंगे। तो यहाँ पे आपको ग्रुप डालना होता है अकाउंट का जो भी है, जैसे कि मेरा ये संडे डेटर है तो मैंने संडे डेटर इसको बताया। अगर कोई इसका ओपनिंग बैलेंस है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, सपोज मैंने
ऊपर 2,000 रुपये बैलेंस मेंशन किया। अब यहाँ पे जो है बता भी सकते हैं कि आपको 2,000 रुपये लेने हैं या इनको देने हैं। अगर आपको लेने हैं तो यहाँ पे डी रखेंगे आप, और अगर आपको इन्हें पे करना है तो सी रखेंगे। तो इस तरीके से जो है आप इनका ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर केसेस में होता है कि सॉफ्टवेयर आपने आज बाई किया और 3 साल से, 10 साल से, 20 साल से आपका बिजनेस जो है रनिंग था, बट आप आज से आप इस चीज को मेंटेन करना चाहते हैं। तो आज जो भी इनका नेट बैलेंस है जो आपको लेना है या देना है, वहां पे यहाँ पे मेंशन कर देंगे, क्योंकि आगे से जो है सारी की सारी ट्रांजेक्शन होके जाएगी आगे। उसके बाद जो भी इसका एड्रेस है, एड्रेस मेंशन करेंगे, और एड्रेस मेंशन करने के लिए दोस्तों 4 लाइन यहाँ पे भी मिलती है। अगर किसी का एड्रेस काफी ज्यादा बड़ा भी है तो बेफिक्र रहें, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद कंट्री में इंडिया, और जिस स्टेट की आपकी पार्टी है वो स्टेट आप यहाँ मेंशन करेंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, कॉम्पोजिशन है, गवर्नमेंट बॉडी है, या फिर ये UIN होल्डर है, तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड और कॉम्पोजिशन ही आपको ज्यादातर मिलेगी। तो अगर इनके बाद GST नहीं है तो मैं इसे अनरजिस्टर्ड कर देता हूँ। और उसके बाद अगर ये रजिस्टर्ड है तो मैं रजिस्टर्ड करके, अगर मुझे रिटर्न के बारे में नहीं पता इनका तो मैं नो कर दूंगा। अब उसके बाद जो भी मैं इनका GST नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको वैलिडेट करना चाहूँ, यानी कि मैं कंफर्म करना चाहूँ कि ये GST नंबर ओके भी है या नहीं है या गलत है, तो देखिए दोस्तों GST वैलिडेट जैसे मैंने किया तो यहीं पे मुझे डिस्प्ले आ गई, जो भी इनका फर्म नेम है, जो भी पर्सन है, नेम है, और कब ये स्टार्ट हुई थी, तो सारी डिटेल्स मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब जैसे कि इन्होंने जो दिया है, सपोज ये तो हम डेमो कर रहे हैं, अब यहाँ पे सपोज आप ये मान के चलिए कि जो इनकी फर्म नेम है वो ऐसे ट्रेडर है। अब जैसे ही आपने GST वैलिडेट किया तो GST वैलिडेट के अंदर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, तो इस तरह की जो गलतियां होती है आप चाहें तो उसे ठीक कर सकते हैं, पहले से पता कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सामने वाली पार्टी से भी मिस्टेक हो जाती है कि वो GST नंबर किसी और का दे देते हैं, क्योंकि किसी किसी के पास 3-3, 4-4 फॉर्म होती है तो ध्यान नहीं रहता इतना। तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको अपडेट कर सकते हैं और पार्टी को भी बता सकते हैं, ताकि कोई भी ऐसी मिस्टेक जो होने वाली है वो ना हो। उसके बाद हम इसे अनरजिस्टर कर देते हैं और GST नंबर हटा देते हैं, पैन नंबर यहाँ पे भी, पैन नंबर भी हटा देते हैं। अगर आपको आधार नंबर डालना हो, पिन नंबर डालना हो, पैन नंबर डालना हो, वार्ड नंबर डालना हो, या इनका ईमेल आईडी डालना हो, या मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर, अब दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ें और आप नोट डाउन कर सकते हैं पॉइंट पे, कि जो भी इनका ईमेल आईडी है आप ईमेल आईडी मेंशन करें, और जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी मेंशन करें प्रॉपर वे में। अगर आप इन फ्यूचर ये चाहते हैं कि जैसे ही आप बिल जनरेट करें ऑटोमेटिक इनको ईमेल पहुंच जाए, ऑटोमेटिक इनको व्हाट्सएप पहुंच जाए, तो इनकी डिटेल्स को आप मेंशन करके रखें, क्योंकि बिजी सॉफ्टवेयर में ये सारी चीजें हैं, और आने वाले टाइम में जो हमारी वीडियोस आएगी धीरे धीरे उसमें हम ये सारी चीजों को बताएंगे कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ईमेल का तो हमारे पास ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक, उसका वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे कंपनी के फोन नंबर भी हैं, वो भी डाल सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट पर्सन, अब इस फॉर्म के अंदर किससे आप कॉन्टैक्ट करते हैं, क्या नाम है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, क्या ट्रांसपोर्टेशन है इनका, ताकि ऑटोमेटिक पिकअप हो जाए जब आप ईवे जनरेट करें तो वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे। उसके बाद कितने दिन का आप इनको क्रेडिट डेज देते हैं वो मेंशन कर सकते हैं, और फिर उसके बाद CST नंबर, LST नंबर, अब तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो गए, बाकी अगर है तो आप डाल सकते हैं। अब ये जो है आपकी पार्टी की बैंक डिटेल्स है, अगर है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं आप। अब जैसे मैंने सेव पे एंटर किया तो मेरा डेटा क्रिएट हो गया। अब इसी तरीके से अगर मुझे क्रिएटर बनाना है तो मैं इसी तरीके से बना लूँगा। अब ऐसे ही मुझे आइटम बनाना है तो मैं आइटम पे एंटर करके ऐड आइटम करूंगा, और उसके बाद मेरे को जो भी ये आइटम बनाना है मैं आइटम बना सकता हूँ। सपोज मैंने एंटीवायरस बनाया। उसके बाद ग्रुप, अगर मुझे ग्रुप भी यहाँ पे क्रिएट करना है तो मैं F3 प्रेस करके यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ। सपोज मुझे जो है ग्रुप क्रिएट करना है सॉफ्टवेयर, उसके बाद इसको जनरल करके, अगर इसका जो भी मैं ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ इसका एडजेसन कोड जो भी है और वो सभी आइटमों पे एप्लीकेबल होता है, तो मैं यहीं पे बाय डिफॉल्ट HSN कोड और इसका टैग डाल सकता हूँ, ताकि मुझे बार बार ना डालना पड़े। अगर अलग अलग है तो आप इसको नो करके यस कर सकते हैं। अब ये मैं किस यूनिट में बेचता हूँ, तो मेरे को पीसेस में सेल करना है। अब इसका ओपनिंग स्टॉक क्या है, तो ये भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। सपोज कि जैसे मैंने बताया लेजर में कि आप काफ़ी समय से आपका रनिंग बिजनेस है, लेकिन आज आपने सॉफ्टवेयर बाय किया है या लिया है, तो आज जो भी नेट है आपके पास आप यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि आगे से आप क्या है, आप सारी ट्रांजेक्शन आप करेंगे,
तो जैसे ही आप परचेज करेंगे ऑटोमेटिक जो है आपका स्टॉक ऐड हो जाएगा। तो आज जो भी है नेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद टैक्स कितना है इसके ऊपर, आप टैक्स डाल सकते हैं। सपोज इस पे 18 है, अब ये जीएसटी है या सर्विसेज है। अब ये जो एंटीवायरस है ये एक तरह से प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें क्या है, एक बॉक्स है, बॉक्स को हम डिलीवर करते हैं तो ये हम लेंगे जीएसटी। अगर ये ऐसा होता कि ये एंटीवायरस एक सर्विस है कि जिसमें हम कुछ भी गुड्स नहीं बेच रहे और आपको डायरेक्टली ऑनलाइन लेके या कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं तो सर्विसेज में आएगा। बट ये है, ये क्या है, गुड्स है कि हम उनके डोर तक पहुंचाते हैं। और उसके बाद जो भी HSN कोड है आप यहाँ डालेंगे, और जो भी सेल प्राइस है जितने में भी आप बेचना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और जो भी आपकी खरीद रेट है, खरीद रेट आप इस तरीके से डालेंगे। जो भी इसकी MRP है, सपोज की MRP जितनी भी है मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। मिनिमम सेल मतलब कि कम से कम आप कितने का बेच सकते हैं, तो मैंने कम से कम भी प्राइस यहाँ मेंशन कर दिया। और सेल्फ वैल्यूएशन अगर डालनी है, मतलब मेरे को अपने अकॉर्डिंग डालनी है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकता हूँ, नहीं तो क्या है कि इसकी वैल्यूएशन इसके परचेज रेट पर जनरेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर ये मुझे टैक्स इंक्लूसिव रखना है सेल्स के अंदर तो मैं इसे यस कर दूंगा, और ऐसी परचेज में रखना तो मैं इसे यस और नो करके यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। उसके बाद एंटर करें, और बाय डिफॉल्ट आपको डिस्काउंट रखना है, डिस्काउंट रख सकते हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है इसकी, आप डिस्क्रिप्शन में जैसे आप ये जैसे जो मेरा आइटम है इसमें मैं इस तरीके से डाल सकता हूँ कि मिनिमम विंडो 10 अवेलेबल होना चाहिए इस तरीके से, तो कोई भी आपका आइटम है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रिटिकल लेवल है, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, तो ये आप अच्छे तरीके से चाहें तो यूज कर सकते हैं। जैसे कि कम से कम आपके पास कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, और रीऑर्डर कितनी क्वांटिटी पे लगना चाहिए, और मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए। तो ये जो है, जैसे स्टॉक आपका खत्म होगा या आपको मंगवाना है तो आप एक रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि मेरे को कौन कौन सा स्टॉक मंगवाना है, तो रिपोर्ट वो आपको इसके बेस पे दे देगा। आप ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक मेरे पे खत्म हो रहा है, तो मिनिमम लेवल की रिपोर्ट देखकर आप सामने वाले पार्टी को ऑर्डर कर सकते हैं कि हमें ये आइटम इतने इतने पीस चाहिए। तो इसका यूज बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको कर देंगे सेव, और सेव करने के लिए दूसरा तरीका भी होता है हमारे पास, F2, डायरेक्टली F2 से आप सेव कर सकते हैं। और ये जो कीज है आपको हर जगह पे शो मिलेगी, जैसे कि आप ये नीचे देख पा रहे हैं F2। अगर आपको यही सेम आइटम कॉपी करना है तो यहाँ पे भी जैसे कि देख पा रहे हैं, लिस्ट निकालनी है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो यहाँ पे भी ऑप्शंस दे रखे हैं। तो हमने आइटम मास्टर भी क्रिएट करना सीख लिया, और उसी के अंदर ग्रुप जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ग्रुप हमने अंदर ही समझ लिया। अब दोस्तों आ जाते हैं ट्रांजेक्शन में। अब सबसे पहले ट्रांजेक्शन में हमें क्या करना होगा, परचेज। तो हम परचेज पे जाते हैं, एंटर करते हैं एड। आपको कोई भी नया बिल एड करना है तो आप एड पे ही जाएंगे। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे एड किया, और उसके बाद कौन सी डेट में जो है मेरे पास वो परचेज आई है। अब सपोज कि आज जो है 11 हो गई है, तो हमने 1/11 और जो भी वाउचर नंबर हमारे पास आया है वो हमने मेंशन किया। अब यहाँ पे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, अब आप यहाँ पे चाहते हैं कि ऑटोमेटिक आइटम के अंदर जो टैक्स है वो लगे, तो आप यहाँ पे आइटम ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपका ये फिक्स है 18% पे ही आया है, तो आप यहाँ पे 18 टाइप करके भी आप यहाँ पे स्पेसिफिक जो बिल है वो 18 में सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आई और एल आ रहा है, इसमें क्या लेना है आपको ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे जो आई आपको शो हो रहा है ये इंटर स्टेट है, मतलब कि स्टेट से बाहर जो आप जितनी भी खरीदारी करेंगे उसमें आई GST लगता है। और ये जो एल है ये लोकल है, लोकल में हमारे दो टैक्स लग जाते हैं, SGST और CGST। तो जिनसे भी आप परचेज कर रहे हैं वो आपके जो पार्टी है वो अगर आप इंटर स्टेट में आती है तो आप जो है आई ले सकते हैं, अगर वो लोकल पार्टी आपकी तो लोकल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको एंटर किया, और मटेरियल सेंटर मेरा मेन स्टोर, इनपुट गुड्स है, और यहाँ पे आइटम मैंने सिलेक्शन कर लिया। अब आइटम मेरे को कितने, मैंने 12 पीस खरीदे 1500 रुपये के हिसाब से। अब देखिए इस पे जो है आइटम वाइज टैक्स लग गया। और उसके बाद ऐसे ही मैं कंटिन्यूसली सारे आइटम्स को ऐड करता रहूँगा। अब दोस्तों ये आइटम जो है मेरे से एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया और मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे, F9 से यहाँ पे डिलीट होता है। अगर आप कहीं पे कुछ बोलते हैं तो यहाँ नीचे जो कीज देख रहे हैं आप, एस्केप, F2, तो यहाँ पे है F9 डिलीट लाइन, तो आप यहाँ पे देख के दोबारा से याद कर सकते हैं। उसके बाद बिल को सेव करना है तो F2 भी कर सकते हैं या सेव पे क्लिक कर सकते हैं। और मैंने इसको एंटर करके सेव कर दिया। अब ये परचेज मेरा सेव हो चुका है।
अब इस परचेज के अंदर मुझे कुछ भी मॉडिफिकेशंस करनी है, डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे दोबारा से परचेज पे आके मॉडिफाई और उस बिल नंबर को डालूंगा और दोबारा से मेरे सामने ये बिल ओपन हो जाएगा। अब मुझे इसे डिलीट करना है दोबारा से या इसको अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, तो ये सारे ऑप्शंस ऊपर आपको शो हो जाते हैं। देखिए डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे F8 जो है प्रेस कर दूंगा और सेम एज इट इज ये बिल आया है, मैं इसको कॉपी करके और फिर दोबारा एक नया बिल ऐड करके वहाँ पेस्ट कर सकता हूँ कि दोबारा से मुझे ये एंट्री ना करनी पड़े, प्रिंट लेना है मुझे, मेल करना है, कैंसिल करना है, तो ये सारे ऑप्शंस मेरे पास आ चुके हैं, तो मैं उस पर एक्शंस ले सकता हूँ। और लिस्ट में जितनी भी आपने परचेज चढ़ाई होगी वो सारी लिस्ट आप यहीं देख सकते हैं डेट वाइज। अब जैसे मेरे पास एक ही है तो यहाँ पे एक ही शो कर रहा है। अब दोस्तों इसी तरीके से जो है आप अपनी सेल्स को भी कर सकते हैं। अगर मुझे कोई भी नई सेल करनी है तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा और उसके बाद कौन सी डेट में मैं सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा। जैसे सपोज 1/11 को मैं सेल्स कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे बिल नंबर मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे बन गया है। अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ दोस्तों तो मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ, ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। अब सपोज ये मेरी लोकल की पार्टी है और पार्टी ये है मेरी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और मैंने इनको एंट्री वाले सेल कर दिए 6 1900 रुपए के हिसाब से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने रेट का सिलेक्शन नहीं किया, जब मैंने आइटम मास्टर को बनाया तो वहीं पे मैंने रेट डिफाइन कर दिया कि मुझे कितने में बेचना है और कितने में मुझे आता है, तो ये हो गया। अगर दोस्तों मैं इस पर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे बिल सेंट्री में मैं आऊंगा। आप बिल सेंट्री में आने के लिए आप माउस का भी यूज कर सकते हैं या टैब का बटन यूज कर सकते हैं। उसके बाद सपोज यहाँ पे मैं इनको कोई डिस्काउंट देना चाहता हूँ तो मैंने डिस्काउंट कर दिया। अब मेरे पे दोनों ऑप्शन है कि मैं इन्हें परसेंटेज में भी दे सकता हूँ और अमाउंट में भी। परसेंटेज में देना तो मैंने यहाँ परसेंटेज में मेंशन कर दिया 12%, और अगर मुझे परसेंटेज में नहीं देना तो मैं यहाँ पे अमाउंट में भी दे सकता हूँ कि मुझे इस पे 1000 का डिस्काउंट देना है ओनली, तो इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। अगर कुछ चार्जेस लगाने हैं आपको, जैसे फ्रेट फॉरवर्डिंग चार्ज है, मैं इनसे फ्रेट फॉरवर्डिंग चार्ज 200 रुपये का लेना चाहता हूँ, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अब जैसे ही मैं इस बिल को सेव करूंगा और यस करूंगा इसे ओके करें आप, अब ये पूछता है मेरे से प्रिंट के लिए, तो प्रिंट के लिए जैसे मैं इसे यस करता हूँ और स्टैंडर्ड पे एंटर। अब यहाँ पे भी दोस्तों काफी ऑप्शंस हैं आपके पास, आप हाफ पेज का निकालना चाहें या फुल पेज निकालना चाहें। अगर आपके पास थर्मल प्रिंटर है 3 इंची 4 इंची तो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद आप एंटर एंटर करके प्रिव्यू कर सकते हैं। अब फर्स्ट टाइम हम प्रिव्यू कर रहे हैं तो ये हमें कॉन्फ़िगरेशन पे ले जाएगा ओनली फर्स्ट टाइम। अगर हमें यहाँ पे कुछ ऐड ऑन करना है कि मैं एड्रेस पूरा मेंशन करना चाहता हूँ या मुझे अपना लोगो लगाना है या बैंक डिटेल डालनी है जो कंपनी की बैंक डिटेल है हमारी, या कोई हमारा डिस्क्रिमिनेशन है कि हम वो भी मेंशन कर सकें तो वो भी हम यहाँ डाल सकते हैं, या कुछ ऑप्शन को हमें यस करके अपने बिल पे शो कराना है तो ये भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करते सेव कर देते हैं तो बाद में भी आप चाहें तो कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने इसको प्रीव्यू के लिए किया, अब देखिए बिल लोड हो गया मेरा जो कि सिंपल बिल है एकदम, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अब मुझे कुछ भी चीजें चाहिए होंगी तो मैं वहां पे ऑन ऑन कर सकता हूँ जाके। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, अब ये बिल मेरा जनरेट हो गया। अब इसके साथ भी दोस्तों यही केसेस है कि अगर मुझे मॉडिफाई करना है या लिस्ट में जाना है तो मैं लिस्ट में जा सकता हूँ कि मैंने जितने ही बिल क्रिएट करे हैं वो जो भी बिल है सामने आ जाए। तो देखिए सामने आ गया, टोटल 6 क्वांटिटी हमने सेल की। वैल्यू चाहते हैं तो इनको हम वैल्यू भी यहाँ पे वैल्यू जो है शो करा सकते हैं तो हमें टोटल भी शो हो जाएगा, मॉडिफाई करना है मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब इसी तरीके से दोस्तों जो सेटिंग्स आप देख रहे हैं आप इसके लिए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर में कॉन्फ़िगरेशन में। अब ये है वाउचर सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन जो अभी आप बिल नंबर देख रहे थे, अब इस पे आप जाएंगे और प्लस पे क्लिक करके अभी मेन सेट है वाउचर नंबर। अब आप वहां पे ये देख पा रहे होंगे कि पहले ईयरली है, इस तरीके से जो है स्पेसिफिक हो रखे हैं। अगर आप अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं तो इसको ऑटोमेटिक करके आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ईयरली बेसिस चेंज हो और ये आपको रिक्वायर्ड है या नहीं है, आप इसकी जगह कुछ और लिखना चाहो तो वो भी कर सकते हो, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अभी मैं इसे क्विट कर देता हूँ। उसके बाद जो इनवॉइस में आप देख रहे थे चेंजेस हम कर रहे थे, तो उसके लिए आपको इनवॉइस डॉक्यूमेंट में आना है और स्टैंडर्ड पे क्लिक कर देना है और एंटर करना है सेल्स इनवॉइस पे। दोबारा से आपके सामने सेटिंग आ जाएगी, आपको लोगो लगाना है, आपको बैंक डिटेल डालनी है या कोई ऑप्शन इनेबल डिसेबल करना है तो कर सकते हैं। इन सब में कुछ भी करते हैं आप, उसके बाद आप इसको सेव जरूर करें तभी आपको इफेक्ट दिखेगा। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे चलते हैं हम पेमेंट और रिसिप्ट पे। अब हमने परचेज की भी एंट्री करी है एक और सेल की भी एंट्री करी है, तो इसके लिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि परचेज की पार्टी को हमें कितना पे करना है। तो हम आ जाते हैं डिस्प्ले में
और डिस्प्ले में आने के बाद अकाउंट बुक में लेजर और लेजर में अकाउंट वाइज, और मैंने इसको कर दिया स्टैंडर्ड वन अकाउंट। अब मेरी जो परचेज की पार्टी है वो बीजी इन्फोटैक है, बीजी इन्फोटैक। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन डाल दिया और मैंने इसको कर दिया ओके। ओके करने के बाद दोस्तों देखिए 21,240 रुपये इनका बैलेंस है जो हमें पे करना है, तो हमें बैलेंस पता लग गया। उसके बाद फिर हम जो है ट्रांजेक्शन में आएंगे और पेमेंट की एंट्री कर देंगे। अब सपोज कि हमने पेमेंट पे ऐड किया और जो हमने पेमेंट करी है इनको वो करी है 2 तारीख को, तो 2 तारीख मैंने यहाँ मेंशन कर दी और 11वां महीना। इसके बाद आप इसको एंटर करेंगे और ये नॉट एप्लीकेबल किस मतलब कि आप डायरेक्टली अपने पार्टी को पे करिए और एंटर करें। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पार्टी का सिलेक्शन करना है। सपोज मैंने बीजी इन्फोटैक को दिया, एंटर किया। अब जैसे ही आप पार्टी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको उसका बैलेंस दिख जाएगा, मेरा माउस पॉइंटर अगर आप देख पा रहे हैं तो, कि 21,240 है। अब सपोज इसमें हमने सिर्फ इनको 10,000 पे किया है और बाय NEFT, तो इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं आप। और कौन से अकाउंट से पे किया है हमने, अभी यहाँ पे हमने बैंक क्रिएट नहीं किया। अगर आपको बैंक क्रिएट करना है तो यहीं पे आप F3 प्रेस कर सकते हो, और F3 प्रेस करने के बाद जो भी जिसपे भी आपका बैंक है, जैसे मेरा ICICI में है तो मैंने ICICI मेंशन कर दिया, और उसके बाद आप अकाउंट ग्रुप लेंगे बैंक, और यहाँ पे आप F2 से सेव कर देंगे डायरेक्टली। अब हमने इनको बैंक से पे किया है और जिसके थ्रू भी किया है, NEFT किया है, तो हमने NEFT का जो भी रेफरेंस नंबर है वो डाल दिया और एंटर करके हम इसे सेव कर देंगे। अगर हम दोबारा से बैलेंस देखेंगे इनका, तो बैलेंस जो है इनके बुक्स में ऐड हो चुका है और जितना अब हमें पे करना है वो भी स्टेटमेंट इनके शो होगी। अब देखिए यहाँ पे 2 तारीख आ रही है क्योंकि हमने जो पेमेंट एंट्री करी है दो की करी है। अब देखिए इनसे हमने एक बिल परचेज किया 21,000 समथिंग का, और हमने फिर इनको 10,000 की पेमेंट कर दी। अब है 11,240 का बैलेंस, अब इतना बैलेंस जो है पेंडिंग है। तो इस तरीके से जो भी आपके परचेजर हैं उनका अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। अब रिसिप्ट में जिनको अभी आपने सेल किया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को, आप उसकी भी रिसीविंग ले सकते हैं। अब सपोज इससे भी मैंने 2/11 को पेमेंट ले ली है, एंटर किया। अब यहाँ पे मेरे को सेलेक्ट करना है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। अब इनका बैलेंस देखिए नीचे शो हो रहा है आपको 12,652। अब इन्होंने 5,000 रुपये ही पे किए हैं, और उसके बाद अब जैसे ही आप इस पर एंटर करेंगे आपको करना है एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे जो भी बिल गए होंगे इनके, अब सपोज ये बिल गया तो हमने इस बिल से 5,000 को एडजस्ट कर दिया, और उसके बाद इन्होंने कैसे किए हैं वो भी हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब इन्होंने पेटीएम किया है, और जो पेटीएम सेटल्ड होता है हमारे ICICI बैंक में होता है, तो जो भी इसका रेफरेंस नंबर है चाहे तो डाल सकते हैं, और उसके बाद इसको एंटर करके सेव कर सकते हैं। अब हम इनका भी बैलेंस चेक करें तो आप आएंगे अकाउंट्स, लेजर, अकाउंट वाइज, स्टैंडर्ड वन अकाउंट, और मैं यहाँ टाइप करता हूँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, और उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए इनका जो बैलेंस था 12,652 का, 5,000 की इन्होंने पेमेंट कर दी, अब 7,652 रुपये, और पेटीएम से पेमेंट आई थी आपके पास। इस तरीके से आप जो है डेटर क्रिएटर के बैलेंस जो है उसको ही मेंटेन कर सकते हैं। अब आते हैं हम दोस्तों कि अगर हमें बैंक मेंटेन करना है तो आप यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री भी कर सकते हैं, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश। अब यहाँ पे एंटर करके जैसे भी आपको कैश टू बैंक या बैंक टू कैश करना है, कि आपको जो है कैसे जो भी इसकी स्लिप नंबर है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप बैंक यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से अपने बैंक और कैश को भी मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जनरेट करना है विदाउट आइटम तो वैसे भी कर सकते हैं, और विद आइटम करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं सेल रिटर्न, ये आपके सारे विद आइटम है, और विदाउट आइटम आपको यहाँ से। अब इसमें क्या है दोस्तों, जैसे एंटर करेंगे तो सेम एक जैसे अभी हम सेल और परचेज कर रहे हैं वैसे ही विंडो ओपन हो जाएगी, और वैसे ही सारी चीज़ों को आपको बताना है कि कैसे आपने उसको सिलेक्शन किया है और उसके बाद किस पार्टी के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस ये है कि जो भी आपका बिल नंबर है और वो पार्टी कौन से बिल नंबर को वापस कर रही है, बस ये आपको मेंशन करना है, और फिर उसके बाद आप एंटर करेंगे और जितने भी आइटम को वापस लेना चाहते हैं और एंटर कर देंगे। अब ये जैसे ही सेव करेंगे तो इनके लेजर में पोस्टिंग हो जाएगी ऑटोमेटिक, और अगर आपको विदाउट आइटम करना है तो इस यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों अगर आपका कोई प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो यहाँ से उसको भी मैनेज आप कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको पहले बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करना होता है, तो ये हम सेपरेटली किसी वीडियो में समझेंगे पूरे प्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ से प्रोडक्शन को भी आप मैनेज कर सकते हैं। अब ये मटेरियल
इशू कर सकते हैं पार्टी को, सपोज चालान जनरेट करना है आपको तो ये भी कर सकते हैं, फिजिकल स्टॉक मेंटेन करना है, जीएसटी की जितनी भी मिसलेनियस चीजें हैं, जीएसएन डेटा, ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अब आ जाते हैं हम रिपोर्ट पे। अगर हम अपने नोटपैड में देखें तो अब है हमारे पास ट्रांजेक्शन तो हो चुकी है सारी की सारी, अब है रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स में दोस्तों मुझे रिपोर्ट चाहिए लेजर वाइज, तो अभी हम देख रहे थे इसको कि लेजर वाइज रिपोर्ट चाहिए। अब यहाँ पे जैसे ही आप एंटर कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड, अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी आ रहे हैं। मैं तो वन अकाउंट कर रहा था क्योंकि मुझे किसी पर्टिकुलर एक के बारे में ही जानना था। अब आप यहाँ पे ग्रुप ऑफ अकाउंट भी कर सकते हैं कि एंटर करेंगे और मुझे जानना है पूरे डेटर के बारे में, मतलब जितनी भी आपकी पार्टीज हैं डेटर में वो सारी की सारी पार्टीज शो हो जाए, तो एंटर करेंगे सारी पार्टीज आ जाएंगी। और इसी तरीके से क्रेडिटर देखना है, क्रेडिटर देख सकते हैं, तो यहाँ से आप अपने सारे के सारी पार्टी अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। डे बुक देखना है आपको, डे बुक देख सकते हैं कि हमने 1 तारीख से लेके अब तक क्या काम किया है, तो जितनी भी सेल परचेज होगी आपकी सारी डे बुक यहाँ पे आ जाएगी। अब इसी तरीके से दोस्तों इसमें कैश कैश एंड बैंक देखना है, जो भी हमने कैश एंड बैंक मैनेज किया है। अब आपको अपनी फाइनल रिपोर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट देखना है, ओरिजेंटल देखना है, वर्टिकल देखना है, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें फिल्टर्स भी लगा सकते हैं कि आपको क्या क्या उसमें चाहिए, बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक का अपडेट चाहिए उसमें, जो भी आप चाहिए उसको आप यस करेंगे और ओके करेंगे। अब जैसे ही करेंगे उसके हिसाब से डेटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो जो आपकी फाइनल रिपोर्ट है वो भी देख सकते हैं। अब आउटस्टैंडिंग एनालाइजिंग भी आप कर सकते हैं, अमाउंट रिसीवेबल, अब रिसीवेबल जिनसे भी आपको बैलेंस लेना है टिल डेट, वो सारे लेजर्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए इनसे आपको कितने लेने, 7652, तो ये सारे बैलेंस सारे लेजर यहाँ पे आ गए, इसलिए मैंने एक एक लेजर आपको क्रिएट करके दिखाया ताकि उसका इफेक्ट मैं आपको दिखा सकूँ। उसके बाद जो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी आप मैनेज कर सकते हैं, किसी के ऊपर अगर इंटरेस्ट लगाना है, डेप्रिसिएशन चार्ट देख सकते हैं। और उसके बाद स्टॉक स्टेटस, अगर आपको स्टॉक की रिपोर्ट देखनी है जैसे यहाँ पे लिखा है बैलेंस ओनली, तो आप मल्टीपल अपने तरीके से देख सकते हैं जैसे भी आपको नीडेबल है। अब देखिए मेरे पास जो एंटीवायरस का स्टॉक है वो 6 रह गया है, और मैं एंटर करता हूँ कि कैसे 6 रह गया, तो यहाँ पे देखिए 12 पीस मेरे पास बिजी इन्फोटेक से आए और 6 पीस मैंने जो है सेल कर दिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को, अब मेरे पास 6 बैलेंस है। इस तरीके से दोस्तों आपको ये जो चीजें हैं शो होगी और आप अपने अकॉर्डिंग जो है रिपोर्ट्स को देख सकते हो, इसमें कोई एक बाउंड्री बाउंड्री नहीं है, आप चाहे हॉरिजेंटल, ग्रुप, अल्फाबेटिक, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, एडजेशन वाइज भी देख सकते हैं, तो बहुत सारी यहाँ चीजें हैं। उसके बाद जीएसटी रिपोर्ट, अब जीएसटी रिपोर्ट की जो है अलग ही डेफिनेशन है, जीएसटी के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, GSTR 1, 2, 3, ITC 9, तो ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब आप चाहते हैं कि आपकी 3B रिपोर्ट निकले जिसमें हमारी सेल परचेज कंबाइंड होती है, तो 3B रिपोर्ट निकाल सकते हैं, और इसमें भी आप अपने तरीके से अलग अलग यस और नो करके फिल्टर्स को लगा सकते हैं। अब 3B में जो भी हमारी कंबाइंड रिपोर्ट है सेल परचेज की वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। अब इसका आप एक्सेल लेना चाहे, PDF लेना चाहे, जो भी लेना चाहे आप ले सकते हैं, कैसे, अल्ट ई करके। जैसे अल्ट ई करेंगे एक्सेल, PDF, HTML, CSV, ये सारे फॉर्मेट यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें GSTR 1 चाहिए होता है, तो GSTR 1 ले सकते हैं हम। अब 1 में जो भी सारे सेम केसेस यही है कि अब यहाँ पे जो 1 होता है वैसे सेल्स के लिए, अब जितनी भी आपकी सेल्स है B2C सेल्स है, B2B सेल्स है, सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे भी अगर इसको आप अल्ट ई करेंगे तो आपके पास सारे ऑप्शंस है एक्सेल, PDF निकालने के। जीएसटी की जितनी भी रिपोर्ट्स है वो सारी की सारी आप यहाँ पे ले सकते हैं, सारी कंप्लीट रिपोर्ट आपको यहाँ मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। अब एडवांस फीचर्स में इसके लिए हम आएंगे कॉन्फ़िगरेशंस और फीचर ऑप्शंस, जो शुरू में सबसे पहले हमारे पास आया था। अब इसमें दोस्तों अगर आप जाते हैं इन्वेंट्री इन्वेंट्री पे, सबसे एडवांस चीज आपको यही यहीं पे शो हो जाती है। अगर आपको अल्टर यूनिट यूज करनी है, सपोज कि आप पीसेस में खरीदते हैं, केजी में बेचते हैं, या बॉक्स में आता है पीसेस में जाता है, इस तरीके के केसेस हैं आपके पास, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव यूनिट इसके अंदर ऑप्शंस है। अगर आप दोस्तों होलसेलिंग करते हैं तो उनका लास्ट प्राइस क्या है, ये सारी की सारी चीजें भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे शो लास्ट ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग सेल्स, इस तरीके से यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस हैं। आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर, ये है दोस्तों, आप यहाँ पे अगर इसको क्लिक कर देंगे तो जिस पार्टी को जो भी रेट्स जाएगा जिस आइटम का, नेक्स्ट टाइम आप उसको बिलिंग करेंगे तो वही बिलिंग उसकी
जो है ये रिपीट करेगा कि लास्ट टाइम इतने का गया था। उसके बाद दोस्तों अगर आप पैरामीटर वाइज बिलिंग करते हैं, सपोज आपको अलग से कुछ फील्ड्स चाहिए जिसे आप मेंटेन करना चाहते हैं, रिपोर्ट लेना चाहते हैं उसकी, तो पैरामीटर्स आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बैच वाइज आप अपने यहाँ बिलिंग करते हैं तो बैच वाइज कर सकते हैं, सीरियल वाइज सीरियल नंबर वाइज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल की शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो उसमें सीरियल नंबर मेंटेन होते हैं, ईएमआई नंबर मेंटेन होते हैं, तो ये भी आप चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। एमआरपी आपको मेंटेन करनी है तो एमआरपी मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वो काफी एडवांस फीचर्स हैं जिसके लिए दोस्तों हम धीरे धीरे अपनी वीडियोस को लेके आते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। अब इसके बाद अकाउंट्स में भी अगर आप जाएंगे तो काफी एडवांस चीजें आपको मिल जाती है, जैसे कॉस्ट सेंटर, ये जो है आपको एंटरप्राइजेस वर्जन में मिलेगा, और क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी कि किसी की क्रेडिट लिमिट आप अपने आप सेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है सेल्समैन वाइज ब्रोकर वाइज, यानी कि जो आपके सेल्समैन होते हैं उनको कमीशन पे करना होता है सेल्स के ऊपर, तो आइटम के ऊपर करना है, बिल के ऊपर करना है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। जैसे आप इसे यस करेंगे तो आइटम के बेस पे, पूरे के पूरे लेजर के बेस पे, तो यहाँ पे आप जो है कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाती है आपको अकाउंट से। और जीएसटी से रिलेटेड जैसे आपका ईवे है, ईवे आप कर सकते हैं, इनवॉइसिंग कर सकते हैं, तो ये दोनों यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसका भी आप सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एडवांस फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, और भी इसमें ऐसे फीचर्स हैं, आपको जो फीचर्स इनेबल करना है उसको आप कर सकते हैं यदि आपको पता है उसके बारे में, और यदि नहीं पता तो हमारी वीडियोस जो है आती रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आई होप दोस्तों कि इसमें मैक्सिमम चीजें जो है आपकी कवर हुई होगी कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे सेल परचेज, कैसे अपनी रिपोर्ट्स को देखना है, ये सारी चीजें जो है आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको बाय करना है बीजी तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।